परफेक्ट। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, इस शो के जिस तरह प्यार मिल रहा है, आप दोनों के भी जोड़ी का काफ़ी सारे प्यार मिलना शुरू हो गया जोड़ी खास तौर पे, तो क्या बोलना चाहते हैं कि इतनी सारे प्यार मिल रहे हैं दंगल चैनल पे, जो बेसिकली इतने बड़े बड़े लोगों को टक्कर दे रहे, बड़े चैनल को टक्कर दे रहे हैं। आपका चेहरा बड़ा सॉफ्ट है, हमेशा पॉजिटिविटी लग रहा है आपको, और इनके साथ काफ़ी अच्छा जोड़ी और बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो किस तरह अपने बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से पहले आपने क्या किया आपने, और इस शो में आके आप कैसे लग रहा है बॉन्डिंग इनके साथ बाकी लोगों के साथ भी? आपको हमारे मेरे साथ बॉन्डिंग कैसा लग रहा है, बाकी लोगों के साथ कैसा लग रहा है? इनके साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है और ये बहुत सपोर्टिव है, एंड बहुत केयरिंग भी है, बहुत अच्छा है, तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। जिस तरह की हम देख रहे हैं कि ऑन स्क्रीन भी आपका देख रहे हैं काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग, ऑफ स्क्रीन में अच्छा, शो में बेसिकली क्या है, आप क्या कर रहे हैं अभी शो में, अभी क्या चल रहा है आपके शो में भी? संजीव भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह देख रहा हूँ कि हमेशा की तरह इस बार भी आप जो आपका जो भाभी है, भाभी के प्रति अपना वफादारी दिखा रहे हो और भाई के भी प्रति वफादारी दिखा रहे हो, हंसनी जो है इतने सब वफादारी वफादारी अभी हाँ, तो बेसिकली अभी जो दिखा रहे हो आप हंसनी के खिलाफ हो, आप लोग एकजुट हो रहे हो, क्या है मकसद आप लोगों का? मकसद यही है अच्छाई की जीत बुराई के सामने हमेशा से, और हमेशा यही रहेगा, जो भी अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और जो बुरे लोग हैं हम ट्राई करेंगे उनका जो मास्क है वो सामने लेके आए सबके सामने और उनको दूर करें चंद्र भवन से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जब कुहू घर में आ गई कुछ न कुछ तो बोलते ना ट्विस्ट तो होना ही होना है, हंस में तो चला गया, इसके बाद आपका नंबर तो नहीं, आप कुछ न कुछ लग रहा है आपका नंबर है कुछ न घर में खट्टा मीठा करने का? नहीं नहीं नहीं, संजीव का टच छोड़ अभी तक तो थ्रू आउट पॉजिटिव रहा है, और मेरे को लगता है ये शो में कुहू और मुझे छोड़ के सभी नेगेटिव रह चुके हैं। अगर आप बाबा की बात करो, बुआ जी की बात करो, शिव की बात करो जो चाचू थे, या दोनों जो मेरी बहन थी, या जो भी आप कैरेक्टर का राजीव का बात करो, राजीव बहुत बार पॉजिटिव ऐसे पॉलिटिकल में रहा है, काफ़ी लोग हंसी बट टच वुड अभी तक संजीव पॉजिटिव ही रहा है, और मैं यही चाहूँगा कि वो पॉजिटिव ही रहे क्योंकि ऑडियंस का इतना प्यार मिलता है। ऑडियंस से तो प्यार मिल रहा है, लेकिन मेरे जहाँ तक जानकारी मिले सब ने अपना अपना रोल अदा कर लिया है निगेटिव, अब आपकी बारी लग रहा है, आप घर में खेल खेलने वाले हो, किसी ने किसी क्या 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 पॉजिटिव रहे कि भी और चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, और काफ़ी आपको ये किसने बताया कि हंसिनी वापस नहीं आ रही है, हंसिनी वापस आने वाली है क्योंकि अभी तक कुछ मतलब खत्म नहीं हुआ, वो तो पता है, लेकिन देख रहे हैं घर में अगर सब कुछ सही चलेगा तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, हंसिनी है अभी ड्रामा क्रिएट करने के लिए, तो उस पर उन पर छोड़ते हैं, और अगर कहानी के हिसाब से राइटर को जैसा लगेगा, बेसिकली हमारा काम है ऑडियंस को एंटरटेन करना, मैं तो कौन होता हूँ ये बोलने वाला कि संजीव नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बेसिकली मैं एक एक्टर हूँ और मुझे जो लिख के आएगा वो मैं प्ले करूँगा। वो तो हाई है इसको, जैसे कि आपको वाइफ आया है उनको लगेगा कि कुहू को बहुत सारे प्यार मिल रहा है, बहुत सारे मिल रहा है, हम भी तो घर के बहू है, तो हमें उतना प्यार इतना दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है जितना कुहू के मिला, तो इनका भी मन में हो सकता है भाई। एक्चुअली सिंधु जो कैरेक्टर है वो संजीव का कार्बन कॉपी है, और जैसे संजीव है एग्जैक्टली सिंधु वैसे ही है, मुझे नहीं लगता कि सिंधु के दिमाग में कभी भी ऐसा